हेलो गाइज, वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल। स्वागत है आपका। और प्रतिदिन की बात ही आज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वैकेप्स क्लास। और डेली 5 वैकेप्स जो है वो सिनोनिम्स विथ एंटोनिम्स, ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये चीज़ कि जो भी आप वर्ड याद करते हैं और कहीं किसी भी क्षेत्र में कहीं आप बात कर रहे हो या कोई सुन रहा हो या किसी के बारे में आप समझ रहे हो, बता रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, और उस बीच में अगर ये वर्ड आते हैं, नो डाउट आपको बहुत खुशी होती है, अरे ये तो हम पढ़े थे, इसका ये मीनिंग हुआ, तुरंत उस समय याद आ जाता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है, जैसे ही आप देखते हैं उस वर्ड को, चूँकि आप यहाँ पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, है ना। जैसे कल की घटना है, मैं पढ़ा रहा था एक स्टूडेंट्स को, तो उसमें एकलव्य की कहानी था, इंग्लिश है ना, DAV स्कूल का 5 क्लास के बुक में है, एकलव्य की कहानी था उसमें, तो एक वर्ड आया, ठीक है, संड, SUNNEED था, संड मतलब अलग थलग करना। और जैसे ही वर्ड आया स्टूडेंट बहुत खुश कि हाँ सर ये तो था, उसमें पढ़े थे हम लोग। जैसे एकलव्य के परिवार को, चूंकि गरीब का वो द्रोणाचार्य वाले कहानी था, उसमें उसके परिवार को समाज से अलग थलग कर दिया गया था नीच जाति की वजह से, तो वहाँ अलग थलग करने का वर्ड दिया हुआ था संड ना। तो इस तरह से और भी जितने भी वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, नो डाउट ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आएंगे, और कहीं कोई लेक्चर पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें आपको जब मिलता है तो उसमें आपको खुशी होती है, तुरंत याद आ जाता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, समझें इसको और अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ उठाएं। चलिए तो ओके स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल, ना स्वागत है आपका इस चैनल में। नेक्स्ट जो आप जानते हैं डेली 5 वोकैबुलरीज विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रैक्टिस है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग वही है, चैनल आवर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। PDF शेयर है इसमें, टेलीग्राम चैनल भी है, वेबसाइट भी है हमारे चैनल का, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप ओपन करेंगे उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का और वेबसाइट का, वेबसाइट भी है उसको आप देख सकते हैं, जो भी नॉलेज लेना है वहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। चलिए तो आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वोकैबुलरीज Part 7, ठीक है ना। आज हम लोग Part 7 पढ़ने जा रहे हैं, इट मीन्स सेकेंड जो टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट संडे को हो चुका है, सेकेंड टेस्ट के लिए दूसरा लेसन है आज ना, 6 और 7। कल ही हम बता दिए थे पिछले वीडियो में आपको कि फ्राइडे तक आपका क्लास चलेगा, 25 वर्ड्स होंगे, रूट वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और उनमें से ही आपके 10 वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आपका टेस्ट होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि लाइव टेस्ट जो होगा उस पीरियड में ही आप जुड़िएगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें पोल करने को आपको ऑप्शन आता है। अब आप सोचते हैं कि चलो हम बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी जो डेली वाला प्रैक्टिस है इसको आप बाद में देख सकते हो ना, लेकिन संडे का जो टेस्ट होगा उसको आप लाइव जुड़िए। लाइव में क्या होगा कि आप अपने आप को जज कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कितने वर्ड्स का आंसर आप दे पाते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें पोल क्रिएट होता है, ऑप्शन आता है ABCD 4, और उसको आपको 10 सेकंड का टाइम रहता है, 10 सेकंड के अंदर में आपको पोल कर देना है जो भी आपको आंसर लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और फिर आप बाद में उसका आंसर बताया जाता है आप मैच कर लेंगे और कॉपी में लिखते जाएंगे डायरी में अपना कितना आपका सही हुआ, उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज को हमको शेयर भी करेंगे। हमें भी बहुत खुशी होती है ना, कि आप इतना अचीव किए, इतना याद किए। जैसे एक स्टूडेंट हमको मैसेज किया था, सर आई लर्न ऑल द वर्ड्स वोकैबुलरीज, बहुत खुशी हुई पढ़कर, है ना, उसने टोटल जितना भी पढ़ाया गया है याद कर लिया था, बट दुर्भाग्य ना वो टेस्ट क्लास में नहीं जुड़ पाया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे को टेस्ट है उसमें जुड़ेंगे और आप अपना उसमें पोल करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये सब क्लास चलता है यहाँ पर, है ना, इस चैनल पर ही आपको मिलता है। मैथ्स का क्लास 1 आ चुका है, ठीक है ना, ये 6 to 10 है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक एकदम, किस तरह से आप बनाते हैं, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशंस होते हैं मैथ में ना, 4 मेन ऑपरेशन है,
ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन डिवाइड। मैं मेरे अनुसार मैं कहता हूं कि मैथ इज एन एनिमल, इट हैज फोर लेग्स। मैथ एक जानवर है, उसके चार पैर होते हैं, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर किसी स्टूडेंट का एक भी कमजोर है तो उसका मैथ नहीं चलेगा, वो लंगड़ के चलेगा, लेम हो जाएगा, लंगड़ा। दो कमजोर है तो घसीट के चलेगा, तीन कमजोर है तो चलेगा ही नहीं, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये चार ऑपरेशंस को एकदम स्ट्रांगली मजबूत रखेंगे स्टूडेंट्स मैथ के लिए, है ना, चारों जो ऑपरेशंस हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल नंबर का जोड़ घटाव आपको आता है तो आता है, नहीं, बहुत सारे हैं, फ्रैक्शन का है, ऐड चार ऑपरेशन, डेसिमल के हैं ना, नंबर के तो है ही, मनी के हैं, लेंथ के मेजरमेंट में है ना, लेंथ में है, कैपेसिटी में है, मास में है, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का है, टाइम समय ना। तो इसको आप टाइम टू टाइम आप वीडियो पर आते जाएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपना ये ऑपरेशंस को मजबूत कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं, आज हम लोग का वोकैब्स क्लास है, मैथ का क्लास नहीं है ना, वोकैबुलरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट क्या दिया है, ऑटी, एच साइलेंट होता है, ध्यान रखेंगे, ऑटी, ऑटी एडजेक्टिव है, घमंडी होता है, एरोगेंट, ठीक है ना, ये इंग्लिश मीनिंग है, वही सिनोनिम्स ही कह सकते हैं इसको, एरोगेंट, ऑटी, ऑटी का सिनोनिम्स ना ब्रास और नर्वे, ब्रास और नर्वे माने ऑटी, ऑटी मींस ब्रास, याद रखेंगे, ऑटी मींस एरोगेंट, ब्रास या नर्वे। एंटोनिम्स हम्बल और मीक, हम्बल साधारण होता है ना, घमंडी नहीं है वो, बिल्कुल हम्बल है, ऑटी नहीं है, हम्बल है, तो इसका अपोजिट में याद रखेंगे, सिर्फ एंटोनिम्स में, ऑटी का हम्बल माने साधारण होता है, जनरल सिंपल बिल्कुल सभ्य, और मीक। ओके, तो ये फर्स्ट वर्ड आप नोट कर लेंगे रजिस्टर में, डायरी में, पेज में, जहाँ भी आप लिखते हैं और लर्न करेंगे, बिल्कुल ही आएगा, जहाँ भी पढ़िएगा, इंग्लिश वर्ड है, और ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, यही वर्ड घूमते रहते हैं वाटर साइकिल की तरह ना, आप याद कर लिए, जहाँ भी पढ़ेंगे आएगा, समझेंगे और लिखेंगे, बोलचाल की भाषा में भी इसको यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कहीं आपको किसी को घमंडी कहना है, कोई घमंडी है ना, यू आर क्या कहेंगे, एरोगेंट कह देंगे, ऑटी कह देंगे, ब्रास, नर्वे, है ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसका अपोजिट में हम्बल और मीक। चलिए ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिल्कुल ही आपको बेनिफिशियल है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है एपीज, वर्ब है बढ़ाना, है ना, एले बढ़ाना, एपीज ये वर्ड है आपको, एपीज ये वर्ब है, है ना, हिंदी होता है इसका बढ़ाना, वही सिनोनिम्स में ही एले आएगा, और इसका सिनोनिम्स आएगा एलिवेट और एसुएज, एलिवेट और एसुएज, एपीज का बढ़ाना का, तो एपीज कहिए, एलिवेट कहिए और एसुएज कहिए। और एंटोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स में देखेंगे एजिटेट और इरिटेट, बढ़ाना का इरिटेट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, या एजिटेट, एजिटेट या इरिटेट। एपीज, ए डबल पी ई ए एस ई, एपीज बढ़ाना। चलिए ओके, एकदम ध्यान से समझेंगे, और मेन है आप इसको नोट करते जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है बैकड्रॉप, देखेंगे बैकड्रॉप एडजेक्टिव ना, ये एडजेक्टिव है, यहाँ भी क्लियर भी किया जा रहा है आपको, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, इसको भी आप समझते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, हिंदी है पृष्ठभूमि, जिसको आप बैकग्राउंड भी कहते हैं, तो बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, सीनरी, सीन, ये सिनोनिम्स है, एक ही वर्ड है, सब मीनिंग पृष्ठभूमि ही होगा, सीनरी हुआ, देखिए सिनोनिम्स में सीनरी या सीन, तो ये बैकड्रॉप का ही है। ओके, एंटोनिम्स फोरग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड या कोहेशन, फोरग्राउंड और कोहेशन, ये एंटोनिम्स हुआ, अपोजिट हुआ इसका, ठीक है, उल्टा, पृष्ठभूमि का उल्टा, फोरग्राउंड और कोहेशन। चलिए ओके, नेक्स्ट वर्ड
फेनोमिनल, ये बिल्कुल ही प्रचलित वर्ड है, आप सुने होंगे पढ़े होंगे फेनोमिनल, है ना। ये भी क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। फेनोमिनल असाधारण, हिंदी वर्ड, हिंदी असाधारण है ना, एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल, ओके फेनोमिनल एक्सेप्शनल, असाधारण का एक्सेप्शनल। तो फेनोमिनल, एक्सेप्शनल, अमेजिंग और स्टनिंग, ठीक है, ये जो वर्ड हुए ये सिनोनिम्स हुए, पर्यायवाची एक ही जैसे, इसका मीनिंग असाधारण होगा, असाधारण जो साधारण न हो ना? और एंटोनिम्स इसका बिलीवेबल और कॉमन, कॉमन है, असाधारण एक है एक कॉमन है, कॉमन मतलब कि जो सब में हो, शामिल हो, वो कॉमन है, तो इसका एंटोनिम्स हो गया फेनोमिनल का बिलीवेबल और कॉमन, विश्वास करने योग्य कॉमन। एक असाधारण होता है कि मैंने वैसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल उसको अविश्वसनीय हो गया, असाधारण, अमेजिंग। चलिए ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड ग्रीवियस, ये भी एडजेक्टिव है ना, ग्रीवियस एडजेक्टिव, क्षतिकर, सेवर, सेवर सेवर होता है ना, क्षतिकर माने नुकसानदायक। सिनोनिम्स अपेलिंग और एट्रोसियस, अपेलिंग और एट्रोसियस, ओके ग्रेवियस का अपेलिंग और एट्रोसियस एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव समझते हैं ना, नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है, एडजेक्टिव वर्ड्स विच डिनोट्स नाउन, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। तो ग्रेवियस हो गया, अपेलिंग और एट्रोसियस ना, सेवर भी इसका होता है, क्षतिकर नुकसानदायक। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल और बियरेबल ना, एक्सेप्टेबल और बियरेबल मैंने बर्दाश्त करने योग्य, ये स्वीकार करने लायक, ओके। तो इस तरह से आपके वर्ड्स जो हैं ये कंप्लीट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे और टेस्ट के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे ना, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो जब तक उसका जांच ना हो कि हमने कितना वर्क किया, तब तक उसका मजा नहीं आता वर्क करने का, उसका जांच बहुत ज़रूरी होता है, चेक। तो इसको आप चेक कर लेंगे टेस्ट में, संडे के संडे, फ्राइडे तक आपका क्लास चलेगा, सैटरडे कंप्लीट आप रिवीजन करेंगे 25 वर्ड्स, दे आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिवीजन, एंड संडे 10 o'clock मॉर्निंग में ना, 10 बजे सुबह में आपका टेस्ट होगा, उसमें लाइव आप जुड़ेंगे, ताकि लाइव जुड़ेंगे तो उसका वोट करने का ऑप्शन आएंगे, उसमें आप वोट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज हम लोग देखें, 5 वर्ड आज का हो गया ना, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, ओके थैंक्स, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, ओके स्टूडेंट्स, बाय, जय हिंद।